सो लुक गाइस, ये रहा हमारा मेन एंट्रेंस लाल किले का। सामने देखो हमारा तिरंगा, और ये रहा सामने पूरे का पूरा मेन लाल किला। तो चलेंगे यार यहाँ पे। सो गाइस, ये रही हमारी जामा मस्जिद सामने। तो ये गेट नंबर 2, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद है। हमने जाना इस रास्ते से। मार्केट वगैरह स्लोली स्लोली एकदम ओपन हो रही है। यहाँ पे सफाई होगी, उसके बाद वापस से मार्केट लगेगी। चाचा ऑनलाइन स्कैन करें। चलो ठीक है यार, थैंक यू, इतना अच्छे से पहुँचा दिया, ठीक है। ये देख के ना मुझे हमारी हाजी मार्केट, जो सब्जी वाली मार्केट है ना नीचे, वो वाली याद आ गई। अगर आप देख रहे हो जरूर आपके माइंड में भी अभी वही चल रहा होगा। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। कैसे देते हैं? 50 रुपए। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय वीडियो। अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ कश्मीरी गेट दिल्ली में। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे रात को ही, तो मैंने सोचा रात को आगे बात करूं, लेकिन एक तो नींद आई थी, इतनी ज्यादा थकावट थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि सो जाते, और बाहर ना कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तो यहाँ पे पूरा ग्लास एकदम ब्लर हो चुका था और बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अब यहाँ पे सो जाता हूँ, सुबह स्टार्ट करूँ नेक्स्ट एपिसोड। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके एकदम रेडी हो चुके हैं, सारे निकल चुके हैं बाहर, तो अब मैं भी चला, तो जाके पहले फ्रेश होते किसी वॉशरूम वगैरह में, तो उसके बाद करते हैं आपसे बात। हम जा रहे हैं फिलहाल जामा मस्जिद, वहाँ पे थोड़ा मुआ धोएंगे, फ्रेश होंगे, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे बाहर। ये रही हमारी बस, इस बस पे हम आए थे। ऐसा है कुछ हमारा दिल, मैं तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ, लेकिन मज़ा आ गया यार रात को सफ़र करके। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब चलते पहले मुआ धो के एकदम खा पी के रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं मार्केट में। ये देखो यार, दिस इज दिल्ली। ये देखो यार, मैं आपको दिखाता हूँ सूरज की क्या हालत है। ये देखो सामने, ये देखो हालत क्या है सूरज की, इतनी धुंध है कि मतलब सूरज भी बिल्कुल एकदम दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पे सामने दिख रहा है, लेकिन उसका कुछ लाइट वगैरह का पता ही नहीं चल रहा। और एक तो यहाँ पे पॉल्यूशन है, वो तो आपको सबको पता ही है यार। जामा मस्जिद ना यहाँ पे पास ही है, कोई 1 किलोमीटर पे, तो हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, सुबह यहाँ पे वॉक भी हो जाएगी और आराम से मतलब थोड़ा सैर भी कर लेंगे। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो वॉक करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ये देखो यार, गाड़ियाँ भरी हुई, यहीं से बस स्ट्रेट जाना है, थोड़ा सा राइट टर्न लेनी है, तो वहीं पे सीधा जामा मस्जिद है। लेकिन यार मज़ा इतना आ रहा है, धुंध है और पॉल्यूशन भी है ही है, लेकिन लुक यार हमारी दिल्ली। यहाँ से अंदर भाई साहब टर्न करते हैं लाल किला, वो आपको बाद में चल के दिखाएंगे अगर टाइम मिला, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत है इस टाइम। क्या होता मैं आज ही वापस ना शाम को निकल जाऊँ, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या सीन रहेगा। ये रहा यार सामने लाल किले का एरिया, ये यहाँ पे शायद सर्कस वगैरह लगी है, लेकिन पीछे आप देख सकते हो लाल किले का एरिया पूरा। तो एक तो फॉग है, इसी वजह से दिख नहीं रहा कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर मुझे टाइम मिला, अगर कुछ एक दिन के लिए यहाँ पे स्टे किया, तो कल का दिन पूरा मैं 2-3 जगह पे, स्पेशल जो जगह है यहाँ पे दिल्ली में देखने के लिए, वहाँ पे चल के मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं। सो लुक गाइस, ये रहा हमारा मेन एंट्रेंस लाल किले का। सामने देखो हमारा तिरंगा, और ये रहा सामने पूरे का पूरा मेन लाल किला। तो चलेंगे यार यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, टाइम की किल्लत है। ये रहा सामने मंदिर यार, कितना बड़ा देखो यार। तो ये रहा यहाँ पे सारे का सारा एरिया। सो दिस इज अवर लाल किला यार, ये है दिल्ली की पहचान, रेड फोर्ट। ये रही यार हमारी जामा मस्जिद सामने। तो अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, सफाई वगैरह भी हो रही है एकदम फुल, आपको दिख नहीं रही होगी एकदम कम्प्लीटली, पूरा चलते हैं अंदर, वहाँ पे आपको अंदर चल के एकदम से कम्प्लीटली दिखाते हैं हमारी जामा मस्जिद। ये देखो यार सुबह सुबह यहाँ पे फुल सफाई हो रही है एकदम तगड़े वाली। सो गाइज, ये रही हमारी जामा मस्जिद सामने। तो ये गेट नंबर 2, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद है। हमने जाना इस रास्ते से। मार्केट वगैरह स्लोली स्लोली एकदम ओपन हो रही है। यहाँ पे सफाई होगी, उसके बाद वापस से मार्केट लगेगी। बहुत वास्ट एरिया है यार दिल्ली जामा मस्जिद का, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा निकला। वाह यार, बिरयानी भी सुबह सुबह। अब हम निकलेंगे इस रास्ते से यार, यहाँ से चलेंगे सीधा राइट टर्न लेके सीधा ऊपर। और ये रही यार पूरी की पूरी मार्केट, यहाँ पे अभी फिलहाल एकदम कम्प्लीटली क्लोज करके रखी हुई है, अभी आस्ता आस्ता खुलेगी है, अभी शायद 10 बजे तक ओपन हो जाती है। ये रहा यार गेट नंबर 1 जामा मस्जिद का, लेकिन हम चलेंगे इस रास्ते से, छोटे वाला गेट, ये भी अभी बंद है, मैं भी बोल रहा था थोड़ी देर बाद खुलेगा। यहाँ से हम एंटर होंगे भाई, चलेंगे एकदम सीधा अंदर। भाई हम जामा मस्जिद से बाहर आ गए, वो खुलेगा 10 बजे एकदम अंदर जाने के लिए, वो मतलब अलाउ करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आए थे कोई ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन सुबह सुबह 9 बजे देखो यार यहाँ पे कितना क्राउड है यार, और 9 बजे पहुँच में मतलब हार्डली कोई 20-30 लोग होते हैं मतलब मार्केट में ऐसे। वो रही सामने जामा मस्जिद, ये रहा यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे अंदर,
ब्रेकफास्ट वगैरह करने जा रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अपने कश्मीरी मिल जाए तगड़े वाले, तो नमकीन चाय वहाँ पे पी ली जाए, तो उसके बाद फिर यहाँ से निकले। भाई लोग ये देखिए यहाँ भी सेल लगाई हुई है, लेकिन यही जैकेट पुंछ में 800-1000 का दे रहे हो। और भैया आप कितना दे रहे हो, कितने का दे रहे हो ये? 250 रुपए। मतलब कम हो जाएगा, क्या बात है यार, 250 मतलब कम हो जाएगा, 200 में लगा लेंगे और पुंछ में 1000 कहाँ। चलो एनीवे, लेकिन यार यहाँ पे चीज भी एकदम प्रीमियर मिलती है, वहाँ पे पुंछ में बहुत कम मिलती है ऐसी चीज। तो ये देखो यार, लोग एकदम टूट के पड़े हुए। ओह माय गॉड यार, रश देखिए, अभी सुबह 9:30 का टाइम है और रश देखो यार कितना ज्यादा है। यार हम बैठ चुके हैं रिक्शा में, तो मैंने सोचा दूसरे वाले ऑटो में बैठेंगे, तो उसमें यार एक्चुअली व्लॉग वगैरह मैं नहीं कर पाता, तो मैंने सोचा ओपन वाले में बैठते हैं। अब ओपन में बैठ चुके हैं, हमने जाना सदर बाजार, तो चाचा को मना लिया एकदम 100 रुपए में, एक्चुअली वो खुद ही बोलने लगे। तो फिलहाल आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट्स वगैरह, एकदम यार मजा आ रहा है सुबह सुबह ओपन वाले रिक्शा। तो भाई साहब करिए एंजॉय, जो हमारे पुंछ वासी जम्मू कश्मीर के वासी जो नहीं आए दिल्ली में, तो ये देखिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा वसीम। वसीम, अरे क्या बात है, यहीं दिल्ली के हो या यूपी के? यूपी के यार, बच्चे का इलाज कराना है। अरे क्या बात, बच्चे का इलाज कराना है, क्या यार कितने कितने दुख दर्द हैं दुनिया में यार देखो। और ये रहा सामने ऐसे वाले रिक्शा पे बैठे हुए, ये हमारा भी वैसा ही एकदम। भाई ये वाली चौक देखे ना, मुझे जम्मू वाली सिटी चौक ही याद आ गई। भैया जंप थोड़े कम लगा यार, ये देखो ये ऐसा हमारे जम्मू का भी जो मार्केट है वो भी लगभग ऐसी है सेम। दो घंटे बाद तो पूरा जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा पूरा, पूरा जाम हो जाएगा। क्या बात है, भैया बोल रहे हैं कि 2 घंटे बाद पूरे का पूरा ये जाम होने वाला है, मतलब इतनी ज्यादा बीच में। भैया ट्रैफिक वगैरह भी बीच ही होती है, गाड़ियां वगैरह अच्छा सब कुछ बंद, लोग भी और गाड़ियां भी, तो सोचो यार क्या हालत होती होगी। वाह मेहनत सुबह सुबह जा रही है। तो यार अब हम पहुंच चुके कुछ इस तरह की जगह में, आई डोंट नो, मुझे जगह का नाम पता नहीं है, पहली बार ही आया हूँ। अभी से यार देखो इतना रश है, और चाचा बोल रहे थे कि यार अभी इससे भी ज्यादा 1-2 घंटे बाद बहुत ज्यादा इससे मतलब कई गुना ज्यादा रश हो जाएगा। तो मैं हैरान हूँ यार इस चीज को देख के, पहली बार ही दिल्ली आया हूँ, लेकिन यार एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। अभी फिलहाल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। चलते हैं अब सीधा सदर बाजार पहुंच के मार्केट में, उस टाइम आपसे बात करते हैं और देखते हैं क्या रहेगा, कहाँ जाना है, क्या सीन होगा। ये देख के ना मुझे हमारी हाजी मार्केट जो सब्जी वाली मार्केट है ना नीचे, वो वाली याद आ गई। अगर आप देख रहे हो जरूर आपके माइंड में भी अभी वही चल रहा होगा। इस साइड भी देखो यार क्या बात है भाई साहब। सो गाइस हम पहुंचे अभी लाहौरी गेट, यहाँ पे मैंने चाचा से पूछा था, मुझे जगह तो पता नहीं है फिलहाल, तो अब यहाँ से थोड़ा ही दूर है सदर बाजार, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, अपना काम निकालते हैं, फिर देखते हैं अगर कहीं जाने के लिए बचा टाइम तो फिर जाएंगे घूमेंगे। अभी ये हालत है, अभी चाचा बोल रहे थे कि 2 घंटे बाद यहाँ पे कोई आने वाला भी नहीं, इतना ज्यादा रश हो जाता है, मतलब सुबह सुबह भाई साहब दिल्ली में रश देखिए इतना ज्यादा। सामने यहाँ पे तो मार्केट ऑलमोस्ट खुल चुकी है, लेकिन अभी 10 भी नहीं बजे हैं पूरे, तो ये हाल है यार। तभी बोलते हैं यार दिल्ली है दिलवालों की, ये कंडीशन है यहाँ पे। अभी पहुंचे हम कुछ इस तरह की जगह पे, लेकिन यार इतना ज्यादा रश है कि हमें अभी फिलहाल 1 किलोमीटर भी नहीं यहाँ से सीधा आगे चल के आए होंगे, मतलब मिनिमम भी 10 मिनट लग चुके हैं हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, इतना ज्यादा रश है, लोग हट ही नहीं रहे यार। तो अब मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे बाद यहाँ की क्या हालत होगी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे पहुंचते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये कंडीशन है अभी 9:30-10 के करीब दिल्ली की मार्केट की, बाद में क्या होगा। भैया चाचा ऑनलाइन स्कैन करें। चलो ठीक है यार, थैंक यू, इतना अच्छे से पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये देखिए यार बीच में देख सकते हो आप गाय वगैरह यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली बीच में। इस जगह का नाम है सदर बाजार, और बाकी बीच में अलग अलग जगहें मतलब आती रहती है, जैसे मेन जो यार इस जगह का नाम है वो है सदर बाजार, और ऐसे बीच बीच में अलग अलग जगहें आती है, जैसे ये जो मेन जगह है यहाँ पे पहाड़ी धीरज है इस जगह का नाम, तो बाकी आगे अलग अलग जगहें आती है। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, 10 बजे खुलने वाली है दुकान, बस 2 मिनट रहे तो उसके बाद यहाँ से माल वगैरह भरेंगे तो फिर निकल लेंगे यहाँ से। मैं यार इतना सोच रहा था कि यार जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ पे जाने की विश थी कि यार वहाँ पे जाऊँ, लेकिन अब देखते हैं यार अगर टाइम बच गया तो जरूर वहाँ पे जाऊँगा, अगर ना बचा तो फिर देखते हैं क्या रहेगा क्या सीन होगा। लेकिन फिलहाल अभी जामा मस्जिद तो जाना ही है, तो देखते हैं अब जो भी होगा आप मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देखते रहोगे। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे जब दुकान खुलेगी, उसके बाद यहाँ से माल वगैरह उठाएंगे, बाकी और भी 3-4 जगह से उठाना है वहाँ से एकदम फ्री होके, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। यार मैं ना गलत एड्रेस पे चला गया था एक्चुअली, वहाँ पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे उसका खाली बैनर लगा हुआ था, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। कैसे देते हैं? 50 रुपए।
इस बात पे चांद बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला।